भागलपुर पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर मौके से दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीती रात बांका पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर बांका निवासी गोलू सिंह को पकड़ा था, जिससे पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि वो मोटरसाइकिल की चोरी कर भागलपुर पर्वती के लब्बू पासी लेन निवासी मोहम्मद सलाउद्दीन को बेचा करता था, जिसके बाद मोटरसाइकिल चोर गोलू सिंह की निशानदेही पर बांका पुलिस ने विश्वविद्यालय थाना और ततारपुर थाना के सहयोग से संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मोहम्मद सलाउद्दीन के ठिकानों पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने चोरी की हुई दो मोटरसाइकिल, एक बुलेट और एक अपाची, 6 पिस्टल, 23 मोबाइल, 1 एयरगन, 1 लाइसेंसी बंदूक, दर्जनों गाड़ियों का नंबर प्लेट और भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से मोहम्मद सलाहुद्दीन और उसके बेटे मोहम्मद राजा को भी गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान CTSP राज, CTDSP अजय कुमार चौधरी, कटोरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह समेत विश्वविद्यालय एवं ततारपुर थाना के पुलिसकर्मी मौजूद थे। DSP सिटी के नेतृत्व में कुछ हम लोग सामान जो है अवैध सामान हम लोग बरामद किए हैं और अनुसंधान चल रही है। जैसे फर्दर इसमें डेवलपमेंट होता है हम लोग सोचते हैं। क्या क्या हथियार बरामद हुआ सर कुछ है? इसके बारे में हथियार अभी अवैध हथियार बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी भी हुई? अब इसमें एक दो आदमी को भी हिरासत में लिया गया है। कन्फर्म थोड़ी देर के बाद हम लोग और किस तरह का नेक्सस है। भागलपुरी शाकचक थाना क्षेत्र के तबलपुर में सोमवार को एक नवविवाहिता ने फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद मृतका के मायके वालों ने ससुराल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मृतका नवविवाहिता की पहचान जबलपुर निवासी 23 वर्षीय नसरीन के रूप में की गई है। मामले को लेकर बताया गया कि 2 वर्ष पूर्व बिकनपुर शहामद हुसैन लैन निवासी फैजल अंसारी के साथ नसरीन की शादी हुई थी। मृतका को 1 7 महीने का पुत्र भी है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे मृतका के मायके वालों ने ससुराल में जमकर हंगामा करते हुए सास ससुर एवं मृतका के पति पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि ससुराल वाले अक्सर दहेज की डिमांड करते थे और डिमांड पूरा नहीं होने पर गला दबाकर नसरीन की हत्या कर दी गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची शाकचक थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बराबर बोलते थे हम लोग, जैसा दिल करते हो तुम लोग, कहता कि ना ऐसा कुछ ना होता, तो बहाना हम लोग तो आते थे तो इसका परिवार हम लोग को भगा देता था, बोलता था नहीं तुम्हारा नैहर वाला मैके वाला कोई नहीं आएगा। दहेज की मांग में तो बराबर है, यही सवाल होता था। तो हम लोग बोलते थे जो बोलना मेरे भाई को बोलिए आपका फरमाश पूरा करेगा, मगर क्यों ऐसा मारते हैं? कौन कौन मिल के मारा है? उसकी ननन है, सास गोतनी, जाके दो ननन है उसकी, दोनों ननन सास गोतनी भैगनी भैगनी। क्या नाम हुआ? बिहार में NDA की सरकार बनने और सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विश्वास मत हासिल करने को लेकर NDA के नेताओं के द्वारा भागलपुर के समाहरणालय स्थित पटेल चौक पर जश्न मनाया गया। इस दौरान JDU के अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में भाजपा और JDU के कार्यकर्ताओं ने गुलाल लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए बिहार में सरकार बनने पर शुभकामनाएं दी। इसको लेकर विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद आज सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया, जिससे पुनः NDA की एकजुटता साबित हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बार बार खेल होने की बात कर रहे थे, पर खेल उनका ही हो गया। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि बिहार में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है और लोकसभा चुनाव के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए मोदी और नीतीश कुमार के नेता NDA के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। मौके पर पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, शिशुपाल भारती, बंटी यादव समेत भाजपा और JDU के पुरुष एवं महिला कार्यकर्ता मौजूद थे। सम्मिलित किया गया इस प्रकार से लोग माहौल बनाए थे, खेला होंगे, खेला का जवाब आज उनको मिल गया है और यह जो विजय उत्सव है उसको NDA गठबंधन मिलकर मना रहे हैं और बिहार में विकास की गंगा बहेगी और डबल इंजन की सरकार बिहार में होगी और एक निश्चित रूप से जो नए बिहार की परिकल्पना हम लोग करते हैं उस नए परिकल्पना में आज जो यह बहुमत साबित हुआ है, यह जनता ने जनादेश जो दिया था उसका पूर्ण सम्मान हुआ है। अब पुनः आज नीतीश जी के नेतृत्व में
बिहार विकास की ओर अग्रसर होगा और सभी कार्यकर्ता NDA जदयू BJP लोजपा हम सब में उत्साह का माहौल है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर जिला प्रशासन और जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से सेंडिस कंपाउंड दक्षिणी द्वार के समीप सड़क सुरक्षा माह को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। वहीं जिला परिवहन विभाग के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में जीवन जागृति सोसाइटी के संस्थापक डॉक्टर अजय कुमार सिंह और यातायात DSP आशीष कुमार सिंह ने आम लोगों को जागरूक किया। साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संस्था एवं NDRF के प्रशिक्षित वॉलंटियरों ने सड़क सुरक्षा में घायलों की मदद करने और समय रहते बिना किसी भय के अस्पताल पहुंचाने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना होने के बाद पुलिस के भय से लोग घायलों की मदद करने में पीछे हट जाते हैं और समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण लोगों की जान चली जाती है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसकी रोकथाम के लिए परिवहन विभाग और सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। इस दौरान DSP ट्रैफिक आशीष कुमार सिंह ने कहा कि अक्सर सड़क दुर्घटना के बाद लोग घायलों की मदद करने के बजाय फोटो और वीडियो बनाने लगते हैं और अस्पताल पहुंचाने में देरी होने के कारण लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जो मानवता के बिल्कुल विपरीत है। वहीं डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि उनकी संस्था हमेशा सड़क सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम चलाती है, जिससे लोग जागरूक होकर घायल लोगों की मदद करने को आगे आएं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने पर यदि घायल की मौत हो जाती है तो मदद करने वाले को किसी प्रकार की कोई सजा या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और जैसा कि आप जानते हैं जीवन जागृति सोसाइटी वर्षों से सड़क सुरक्षा पर काम करती है, लोगों को चेतना जगाती है कि आप सड़क सुरक्षा में आगे बढ़कर हिस्सा लें। यदि कोई रास्ते में गिरा हुआ आदमी मिलता है, लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है, तो देखकर उसको आगे नहीं बढ़ें, अपना घड़ी नहीं देखें, अपना समय नहीं देखें, सामने वाले का कुछ समय देखें, यह समझें कि वह भी किसी का बेटा है, वह भी किसी का पति है, उसके मरने से उसका बेटा अनाथ हो जाएगा और उसकी पत्नी विधवा हो सकती है। ऐसे में आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसे अस्पताल ले जाएं। जहां तक डर की बात है, वो डर अब दूर की बात हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम निकाला है जिसके तहत कोई भी मदद करने वाला यदि अस्पताल ले जाता है, यदि रास्ते में उसकी मौत भी हो जाती है, तो आपके डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पर कोई केस मुकदमा नहीं होगी, पुलिस ज़बरदस्ती आपके नाम भी नहीं पूछ सकती है। आपकी इच्छा हो तो आप नाम बताइए, नहीं तो अस्पताल पहुँचा कर आप चले जाइए। तो इस तरह से कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है, बल्कि सरकार आजकल ऐसे नागरिकों को गुड सेमरिटन अवार्ड देती है, जिला अधिकारी महोदय देते हैं, जिला पदाधिकारी देते हैं और DTO देते हैं, जिला परिवहन पदाधिकारी आपको और 10,000 रुपये तक इनाम देती है। इसीलिए आप सबों से प्रार्थना है, जब भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को देखिए, ठहरिए और उसको अस्पताल पहुँचाइए। बांका के धौरैया थाना परिसर में पुलिस कार्य प्रणाली, कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सोमवार को बांका SP डॉक्टर सत्यप्रकाश ने धौरैया थाना परिसर में आयोजित अपराध गोष्ठी में पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार वंचित अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई करने और पेंडिंग चालान व FIR का ज्यादा से ज्यादा निस्तारण करने की बात कही। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार वंचित अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई करने और पेंडिंग चालान व FIR का ज्यादा से ज्यादा निस्तारण करने की बात कही। इसके अलावा क्षेत्र में अपराध एवं कानून व्यवस्था की जानकारी लेते हुए SP ने थाना अध्यक्षों को थाने में दर्ज प्रकरणों में तुरंत अनुसंधान कर पीड़ितों को न्याय दिलवाने का निर्देश दिया। वहीं सरस्वती पूजा को लेकर SP डॉक्टर सत्यप्रकाश ने सभी से सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने की अपील की। मौके पर SDPO विपिन बिहारी, मुख्यालय DSP विनोद कुमार, बेलहर SDPO राजकिशोर कुमार, प्रशिक्षु DSP कुमारी सिया भारती, सर्किल इंस्पेक्टर रंजीत कुमार एवं जिले के सभी थाना के थानाध्यक्ष व SI मौजूद रहे। तो आज हम लोग जो है क्राइम मीटिंग किए हैं। क्राइम मीटिंग में हम लोग यहाँ पर जो स्थानीय समस्याएं हैं या कैश डिस्पोजल या अन्य चीज़ का किया गया, और आने वाले चुनाव को देखते हुए बॉर्डर सीलिंग पॉइंट हुआ, शराब में बरामदगी हुआ, इसके अलावा वल्नरेबल नक्सल बूथ ये सब के चिन्हित करने का आदेश दिया गया। प्रिवेंटिव एक्शन के तहत में 107 CCA 3 और 12 की कार्रवाई, वैसे लोगों को चिन्हित करना जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इन लोगों को चिन्हित करने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ जो मुख्य हम लोग का जो बॉर्डर पड़ता है तो बॉर्डर में बॉर्डर सीलिंग पॉइंट, इन सब को चिन्हित करने का आदेश दिया गया है। और मेन जो क्राइम मीटिंग में हमारे वरीय पदाधिकारी जो बिहार पुलिस का जो 38 मिशन है, उस मिशन के बारे में डिस्कस किया गया है कि कैसे यहाँ पर 30 मिनट के अंदर जन सुनवाई हो, कोई भी पब्लिक आता है उसका आवेदन तुरंत उसको लेना है, 30 मिनट के अंदर उसको में जो कार्रवाई करना है उसको डिस्पोजल करते हुए 30 दिनों के अंदर उसको डिस्पोजल भी करना है, और अन्य जो भी बिंदु है इस चीज पर डिस्कस किया गया। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत नया गांव पंचायत के काली मंदिर प्रांगण में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक सुल्तानगंज शाखा के द्वारा ऋण मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चेयरमैन डॉक्टर आशुतोष कुमार झा ने शिरकत की। इस दौरान बैंक के अतिथियों ने मुख्य अतिथि का स्वागत फूलमाला एवं बुके देकर किया। शिविर में मुख्य अतिथि के द्वारा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बारे में विस्तार से बताते हुए किसानों को बैंक से लाभ लेने की बात कही गई। वहीं किसानों के ऋण माफी की मांग पर उन्होंने 5% किसानों के ऋण को माफ करने की घोषणा कर दी। इधर नयागांव पंचायत के मुखिया संजीव कुमार ने बैंक के अधिकारियों से स्थानीय शाखा खोलने की बात कही। कार्यक्रम में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा के वरीय क्षेत्रीय प्रबंधक विकास कुमार भगत, शाखा प्रबंधक राकेश कुमार सिंह, शाखा प्रबंधक अभिनवानंद समेत दर्जनों किसान मौजूद थे।